आ, एक मेल है एक बाप है वो भी तो नाइन टू फाइव जाता है ना काम पे और वो बाप है अल्लाह ताला ने सिर्फ औरत के लिए सारी चीजें नहीं रखी हैं कि आपने तरबियत करनी है मर्द का भी तो कुछ फर्ज है नाइन टू फाइव जब वो घर आता है उसको अपनी माँ को भी टाइम देना होता है उसने अपनी बीवी को भी टाइम देना है आप भी तो बहुत थोड़ा सा टाइम देते हैं ना बच्चे को लेकिन तब भी आप कहते हैं कि आई एम द डोमिनेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी डिसीजन मेकर डिसीजन मेकर ऑफ द फैमिली बॉस ऑफ दिस हाउस सो आप भी तो थोड़ा सा टाइम देते हैं। अगर हम थोड़ा सा उस टाइम में से फोर्टी परसेंट टाइम नहीं देंगे तो बच्चे की आई गेस ब्रॉटअप पे इतना कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा हम बेहतर तरीके से आजकल के माशरे में लोगों से जब तक मिलेंगे नहीं तो हम अपने बच्चे के साथ आई गेस पूरा प्रोपरली अप कर नहीं पाएंगे कि किस तरीके से उस, उसकी अपब्रिंगिंग करनी है कैसे देखना है कि बच्चे को किस तरीके से मैनेज करना है कौन सी जगह ठीक है नहीं है मेरे ख्याल में आजकल हम इस दौर में कि हमारा सोशल होना थोड़ा बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है नहीं नहीं थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़रूरी हो गया है इसकी वजह मैं आपको बताऊं पहले जो है बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता दौर तब्दील होते थे वक्त तब्दील होता था लेकिन हम जिस ज़माने में है, हमने बहुत सारी चीज़ों को कितना हमने चेंज होते देखा है देखा है ना हमने बिल्कुल ऐसे ही है। कि जैसे कई सदियां हमने जी हैं हम कौन से ज़माने से किस ज़माने में आए हैं अभी हाँ। हमारे पास जेन -जी और बाद जनरेशन <laughs> आ चुकी है तो आपको पता है बच्चे फॉरन कहते हैं आपको क्या पता ये उन माओ को सुनने को मिलता है जो घर बैठे जिनको वाकई नहीं पता होता और उनको बच्चे बेवकूफ भी बनाते हैं उन्हें लेकिन जो वर्किंग है जो टाइम के साथ चल रही हैं जब वो बाहर निकल रही हैं तो उन्हें चीजों का भी पता है और उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो खुद को अपडेट रखें क्योंकि उन्होंने exactly. मिलना है ना चार लोगों से चाहिए मेरे ख्याल में अब जनाब आपने परमिशन तो ले ली नहीं। नहीं। काम की ना बट स्टिल आपको बहुत चैलेंजेस आए होंगे टाइम मैनेज करना बच्चों को देखना जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं स्कूल गोइंग उनकी पढ़ाया उनकी चीजें उनकी सेहत तबीयत खराब सारा कुछ तो ये आप क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मैनेज कैसे करते हैं टाइम मैनेजमेंट इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग होता है बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है तो ये सो so मैंने किस तरीके से मैनेज किया uh, चीजें बहुत मुश्किल थी तो शुरू शुरू में जब बहुत मसले हुए तो मेरा बेटा जो है वो ऑलमोस्ट एक डेढ़ माह का था क्योंकि जब मेटर्नल लीव्स मेरी खत्म हो गई थी उसके बाद उसको लेके भी जाना था तो वर्क प्लेस पे हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि आपके पास डे केयर्स नहीं होते आप अपने बच्चे को रखेंगे कैसे बाज़ जगह बच्चे अलाउड नहीं होते तो थोड़े वक्त मैंने इसको अपने साथ लेके जाके जो है वो मैनेज किया एक कुर्सी पे रख के मैं क्लिनिक करती थी और उसके बाद जो है बच्चा आराम से जो है वो मेरे बच्चे ने भी सबर का मुजाहरा किया मेरे ख्याल में ये है कि एक नेचुरल चीज आ जाती है अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला गिव्स यू समथिंग जिसका आप जो है आप सोच भी नहीं सकते रिवॉर्ड होता है बिल्कुल रिवॉर्ड होता है और आपको जो ये पेशेंस है ना फिर ये अल्लाह ताला दे देते हैं आपको आपको समझ आने लगता है आपको आपके बच्चे को